दोस्तों, आधुनिक खोजों से यह ज्ञात हुआ कि लाखों वर्ष पहले इस धरती पर आदि मानव रहा करते थे। पहले आदि मानव चार पैरों पर चलता था और जंगलों में रहते थे। वह पेड़ों की जड़ें, पत्ती या फल फूल खाते थे और कुछ जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस भी खाते थे। उनके पास पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं होती थी। आदि मानव खाने की तलाश में दिन भर जंगलों में घूमते थे, लेकिन रात होने पर जानवरों से बचाव व ठंड और बरसात से बचने के लिए गुफाओं में छिप जाते थे। लेकिन वह अधिकांश पेड़ों पर ही रहा करते थे। उन्होंने ऊंचाई पर लगे पेड़ों के फलों को तोड़ने के लिए वह धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए चार पैरों के बजाय दो पैरों का उपयोग करने लगे और इस प्रकार उनके दो हाथ स्वतंत्र हो गए, जिससे वह अपने हाथों का उपयोग किसी और कामों में करने लगे। इस तरह मानव में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए। अब वह दो पैरों पर खड़ा होकर अधिक दूरी तक देख सकता था। वह आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगे। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियां पकड़कर फल तोड़ने, खाना खाने और खाना लाने के लिए करने लगा। इसी समय वह पीठ के बल पर सोने लगे। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति का भी काफी तेजी से विकास होने लगा। इसके साथ ही उन्होंने रोने हंसने की आवाज भी विकसित कर ली। लगातार आते परिवर्तनों के द्वारा अब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास व सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगा। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ वह भोजन इकट्ठा भी करने लगा और जंगल में जानवरों से बचाव करने के लिए लकड़ी, जानवरों की हड्डियां, सिंघों और पत्थरों का उपयोग करने लगे। आदि मानव भोजन के तलाश में थक जाने पर पहाड़ों की गुफाओं में आराम करने लगते। इन्हीं गुफाओं में बैठकर आदि मानव ने अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को चित्रित करते थे, क्योंकि यह चित्र आज भी गुफाओं के चट्टानों पर बने हैं। भारत में सैकड़ों स्थानों पर ऐसी कलाकृतियां मिलती है। मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिंधौर, होशंगाबाद आदि जिलों में कई कलाकृतियां मिलती है। आदि मानव अपने शरीर को ढकने के लिए वृक्षों की छाल, पत्तों तथा जानवरों की खाल का उपयोग करते थे। इनके साथ साथ लकड़ी, सीप, पत्थर, सिंग, हाथी दांत और हड्डी से बने आभूषण का भी उपयोग करते थे। स्टोन एज तक आदि मानव ने पशुपालन और खेती करने के तरीकों की खोज कर ली। अब वह जान गया था कि शिकार के साथ साथ पशुपालन उनके लिए कितना जरूरी है। पशुओं से वह कई तरह के काम करवा लेते थे, जैसे शिकार करने में कुत्ता, खेती में बैल और दूध प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस आदि की मदद लेते थे। इतिहासकारों के अनुसार भारत में कृषि की शुरुआत आज से लगभग 10,000 साल पहले हो चुकी थी। इस प्रकार आदि मानव का भोजन के तलाश में घूमना फिरना कम हो गया। अब वह जान गए थे कि मानव और पशुओं के द्वारा खाकर फेंके गए फलों के बीजों से कौन से पौधे उगाए जा सकते हैं। खेती करने की कला एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसके कारण मानव को भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं रही और अब वे एक जगह बसने लगे। लेकिन जब उन्हें खाद्य सामग्री की कमी पड़ने लगी, तब उन्होंने जमीन की खुदाई करके जमीन में बीज बोना शुरू किया और धीरे धीरे वे मिट्टी की गुड़ाई व पौधों के लिए पोषक तत्वों का महत्व भी जान गए। वह पानी के स्रोत के निकट वाली जमीनों पर खेती करने लगे। समय अनुसार धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ। वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ मनुष्य ने विकसित कृषि यंत्रों का भी विकास किया, जिससे कम समय में अधिक फसलें की जा सकती हैं। इस प्रकार आदिकाल से लेकर आज तक मानव की कृषि पर निर्भरता लगातार बढ़ती गई और कृषि के विकास के साथ साथ सभ्यता का भी विकास हुआ।